नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। केरल की एक खबर जो है सामने आ रही है, कोरोना वायरस के बीच कोझिकोड में बर्ड फ्लू की दस्तक, पक्षियों को मारने के आदेश दे दिए गए हैं। बर्ड फ्लू अन्य हिस्सों में ना फैले इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारत सरकार के पशुपालन विभाग ने भी केरल सरकार को जरूरी निर्देश दिए हैं। समस्या से निपटने के लिए 3 डॉक्टरों की एक टीम वहां रवाना की गई है। बर्ड फ्लू की वजह से पक्षियों चिकन की मौत हुई, प्रभावित क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के दायरे में मारे जाएंगे पक्षी। केरल के कोझिकोड जिला प्रशासन के जिले के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। कुछ दिनों पहले जिले के पश्चिम कोठियाधूर क्षेत्र के नजदीक अलग अलग खेतों में सैकड़ों पक्षी मृत पाए गए थे। परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों की पुष्टि हुई है, जिसमें गया कि बर्ड फ्लू की वजह से पक्षियों चिकन की मौत हो गई है। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में 1 किलोमीटर दायरे में सभी पक्षियों और मुर्गियों को मारने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा है कि विभाग ने बर्ड फ्लू फैलाने से रोकने के लिए पहले ही प्रयास शुरू कर दिए हैं। पशु चिकित्सा विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इसके लिए आवश्यक कदम उठाएगा कि फ्लू अन्य क्षेत्रों में न फैले। इधर पशुपालन विभाग भारत सरकार ने केरल में बर्ड फ्लू के मामले के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसमें राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि आगे की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएं। कहा गया कि मुर्गी और अन्य पक्षियों को मारने के लिए निगरानी रखी जानी चाहिए। प्रभावित इलाकों के लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में स्थिति का जायजा लिया जाएगा। लेने के लिए विभाग ने 3 सदस्यों की टीम भी तैनात की है। डॉक्टर शौकत अली, डॉक्टर दीप्ति रावत, डॉक्टर शिव कुमार चिमाथा की टीम को कोझिकोड में प्रभावित इलाकों में दौरा करने के निर्देश दिया गया है। इन इलाकों का दौरा करने के बाद डॉक्टरों की टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।